आप सभी के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए हाथ जोड़ करके उनके मम्मी पापा भाई बहन सब के लिए मेरी तरफ से मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन सच में आप सबको पता है जैसा कि बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा ये उत्सव है, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और इस होली के अवसर पर ये जो गिफ्ट दी गई है वो यूट्यूब ने सिल्वर प्ले बटन अवार्ड जो होता है, जिसमें कि अगर किसी भी यूट्यूबर के 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं यानी 1,00,000 दोस्त उसके साथ जुड़ जाते हैं तो यूट्यूब उनके लिए एक अवार्ड देता है। इसी तरह से अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा एक अवार्ड। और इससे पहले मुझे 1 ईयर अगो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, जैसे आप माइक की आईडी पर देखते होंगे सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी, जहाँ पर कि मैं मैक्सिमम एयरफोर्स एंड नेवी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ अंग्रेजी। अब देख लीजिएगा उसका भी मेरे पास लास्ट ईयर का अवार्ड रखा हुआ है। मैं इन दोनों को दिखाऊंगा, दोनों में क्या अंतर है या नहीं वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। और ये सब सच में आप सबका सहयोग मिला, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, बहुत सम्मान मिला, इसलिए ये अवार्ड आज मेरे हाथ आ पाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही साथ आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं आपको जवाब दूंगा। पहले मैं आपको उन जो अवार्ड हैं उनको मैं दिखा देता हूँ। देखिएगा ये आप अवार्ड देख पा रहे होंगे क्योंकि कैमरे पर अभी कोई है नहीं, वरना इसे जूम करके और ये दिखा देता। देख सकते हैं ये जो अवार्ड है वो यूट्यूब की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पर देखो स्पेशली लिखा है पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी, शायद आपको नहीं देख पा रहे होंगे। पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी ये यूट्यूब यानी कि जो हमारे चैनल का जो नाम है वो इस पर जो है अंकित होता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच यार, आप सब ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया कि ये जो है यूट्यूब की तरफ से एक अवार्ड आया। सच में काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया इस अवार्ड ने। इसके साथ मैं आपको लास्ट ईयर का जो मेरे इंग्लिश वाला चैनल है उस पर मैंने खैर आपको नहीं दिखाया था, और भगवान ने काफ़ी अच्छी हेल्प की कि ताकि मैं इस बार दोबारा से ये मुझे मौका मिला कि मैं आप सबके लिए ये मैं अवार्ड दिखा सकूँ। देखिएगा ये एक और अवार्ड है, यानी कि ऐसा नहीं है दो अवार्ड है, देखिए दो अवार्ड है, एक तो ये वाला अवार्ड है और एक ये वाला, ठीक है ना, यानी ये दो अवार्ड है, आपको दिख रहे हैं ना ये दो अवार्ड है। तो अब ये वाला अवार्ड है, ये है सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। और सबसे पहले इस अवार्ड को मैंने अपने गुरुजी, क्योंकि उनके जो है उनकी नॉलेज से ही मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ा पाता हूँ, तो सबसे पहले ये जो अवार्ड आया था तो उन्होंने ही इस अवार्ड को जो है कवर में से निकाला था, तो उन्होंने इसका एक तरह से उद्घाटन किया था, तिलक इसी पर लगाया था, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब गुरुजी यानी कि कौल सर, मिस्टर कौल आगरा के टीचर हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस टीचर हैं, मतलब बहुत खतरनाक। अगर कोई भी स्टूडेंट है ना एक आईपीएस और अगर आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनसे पढ़ते हैं, यानी कि स्पेशली मैं आपको बताऊँ आगरा यानी एयरफोर्स जो स्टेशन है ना उसके अंदर जो बड़े बड़े रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो उनसे जो है वो उनको ट्रेन करते हैं, स्पेशली उनको पढ़ाते हैं वो, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मैं पढ़ा। और सर गुरुजी आपकी हेल्प की वजह से आज मैं ये अवार्ड ले पाया। खैर मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि सर जब आप वीडियो को शूट करते हैं तो उस दरमियान आप आने वाले स्टूडेंट से, मैं स्पेशली सबसे ज़्यादातर बोलता रहता हूँ कि आपको कैमरे से डर तो नहीं लग रहा, तो इस सब के पीछे दो रीज़न होते हैं। एक तो ये कि जब मैं इस तरह से बोलता हूँ तो सामने वाले को जो थोड़ा भी अगर हेजिटेशन हो रहा होगा ना तो बहुत फ्रैंकली थोड़ा वातावरण हो जाता है वो, यानी कि उसको भी ऐसा लगता है कि ये कोई पत्रकार नहीं है, या फिर बहुत मतलब फ्रेंडली थोड़ा सा बिहेव उससे थोड़ा सा ये मेंटली जो है वो फ़र्क पड़ता है। दूसरा नंबर ये होता है कि अगर वो सपोज़ करेगा कि अगर कोई कंप्लेंट भी करता है, कुछ भी करे, वैसे कुछ होता नहीं है, अगर कोई कंप्लेंट भी करता है तो उसमें ये होता है कि हम उन्हें ये बता सकते हैं कि देखिएगा आपकी जुबानी यानी कि आप, इसका मतलब जब आपने ये बोला कि मुझे कैमरे से डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब कैमरा आपको दिख रहा था, यानी कि ये जो वीडियो शूट की गई है वो आपकी मर्जी के साथ की गई है, तो इसमें दो हमारे पास जो है वो एक तरह से एविडेंस हमारे पास आ जाते हैं। और तीसरी बात ये होता है कि जब इस तरह की कोई वीडियो शूट होती है तो जनरली कैमरा उनके जस्ट सामने होता है, तो उसमें कोई प्रैंक वीडियो नहीं रहती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। अगर देखिएगा यदि हम किसी की मर्जी के खिलाफ अगर कोई वीडियो शूट करते हैं, जैसे कि प्रैंक वीडियोज़ में होता है, तो उनमें कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक बहुत बड़ा यू नो टाइम लगता है इस ऑब्जेक्शन में भी,
बेसिकली और जो हमारा होता है वो एजुकेशनल है, यानी कि अगर इसे कोई भी बंदा अगर इन वीडियोस को देखेगा तो वो ये समझ जाएगा कि इस यूट्यूबर का मोटिव क्या है इस तरह की वीडियो को बनाने का। अगर आपसे कोई सवाल जवाब किए हैं, चाहे वो आपने उसका आंसर जो है वो गलत दिया या फिर सही दिया, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या है, मोटिव को देखा जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं, इसलिए मैं उनसे पूछता हूँ ताकि उनको भी थोड़ा सा फ्रेंकली लगे। कोई होशियार और कोई भी अगर जैसे कोई मेल फीमेल है और वो बहुत ब्रिलियंट हो सकता है, तो ऐसे में कहीं वो आपको ही लपेटे में ना ले ले, तो लपेटे में ले लेगा तो क्या बात है। देखो मैं फुली कॉन्फिडेंट रहता हूँ अपने आप, क्योंकि एक वो होता है जिसने कभी किताब खोल के नहीं देखा, कोई पढ़ाई से किसी को मतलब ही नहीं है और वो पब्लिक में जाकर के कोई पूछताछ कर रहा है, तो ऐसे में अगर सामने वाला तुमसे कुछ पूछेगा तो तुम जवाब क्या दोगे। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है जब वो सामने वाला मुझसे खुद पूछ लेता है और मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई कुछ पूछ रहा है ज़्यादा डेप्थ में जाकर के उसने पूछा, तो ये फैक्ट है कि अगर वो कुछ भी पूछेगा जनरली अगर उसका एग्जैक्ट आंसर अगर मेरे दिमाग में नहीं होगा तो मैं उसके आसपास का ज़रूर बता दूंगा, आसपास का जरूर बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर किसी ने मुझे कोई तारीख पूछी, कोई डेट पूछा, तो जैसे कोई भी युद्ध हो, मैंने एक सिंपल सा दे देता हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, अगर ये मुझे डेट याद नहीं है तो ये कब हुआ था, इसका रीजन क्या था और किसने ये, यानी इसमें मेन लीडर कौन था, ये समय बता सकता हूँ। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करता रहता हूँ। अभी भी मेरे अपने अपने एग्जाम्स हैं जिनकी मैं तैयारी करता हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। कोई पूछेगा तो मैं उसे जवाब दे सकता हूँ और हर एक सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई बड़ा है, सीनियर है, बहुत उम्र है उसकी, मैंने उसे पूछ लिया, अगर उसे बैड लगा है तो मैं प्रॉब्लम को हैंडल करना जानता हूँ, आराम से कर लूँगा, बहुत प्यार से। लड़ाई झगड़े की तो कोई बात ही नहीं, बस अपने कहते ना ये जुबान है, जैसा अगर आप जैसा बोलोगे वैसा उधर से यू नो रिप्लाई आता है। लोग बोल रहे थे कि सर किसी बार अपनी मम्मी जी को कैमरे पर लाइएगा, तो ये मेरी मम्मी जी हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं इनसे पूछूंगा, मम्मी आपको जब मैं काम करता हूँ यूट्यूब पर, वीडियो वगैरह बनाता हूँ या फिर कहीं पर बाहर जाता हूँ, तो मतलब कैसा लगता है, बेकार लगता है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई कम कर रहा है या फिर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा, गाँव की हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि अभी मेरे पेपर वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसे में मुझे यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए या फिर चालू रखना चाहिए, क्या कहूँ? चालू रखना चाहिए। क्यों? अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा लगता है, मतलब बंद नहीं करना चाहिए? नहीं। क्यों बंद कर दिया तो? नहीं, बंद कर देंगे तो सही नहीं है, अच्छा लगे करते रहो काम। नहीं, अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, लेकिन बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा? बंद करना सही ना है। सही नहीं है? नहीं, क्योंकि बच्चे भी हैं, सब हाँ, कुछ है ना, बच्चे हैं, वो देखते हैं और हमें तुम बनाते हैं तो बेटा हमें खुशी होती है, तो अच्छा लगता है, और बच्चे देखते हैं वो भी अच्छा लगता है। हाँ, सकते हैं ये हमारी मम्मी थी और आज जो है वो पहली बार कैमरे पर आई थी। आप टेंशन मत लीजिएगा, बारी बारी मैं इन सबको अपनी फैमिली को कैमरे पर ले आऊँगा। ओवरऑल इनको काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि काम अच्छा होता है, घर पर वीडियोस को सब लोग देखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और गांव वाले आते हैं बोलते हैं कि अम्मा अभी भैया ने वीडियो नहीं बनाया और हम पढ़ेंगे, अभी तक वीडियो नहीं आया, तो ये मुझे खुद कॉल करके बोलते हैं कि छोटू तुमने वीडियो नहीं बनाया, मेरे को छोटू बोलते हैं प्यार से, तो मैं फिर इमिडिएटली वीडियो को शूट करता हूँ, फिर मैं तुरंत जो है वीडियो वगैरह बना देता हूँ। तो ये और जैसे ये मम्मी पापा कहीं बाहर जाते हैं, तो अब बाहर पर हर मतलब वहाँ पर हमारे अपने रिलेटिव्स तो होते नहीं हैं, तो मैं फिर बच्चों को जो है अलग अलग राज्यों के मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर हैं, बच्चों के बहुत सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है मेरा, तो उसमें मैं फिर उनको बोल देता हूँ कि ऐसे ऐसे करके मेरे मम्मी पापा वहाँ पर आ रहे हैं, अगर वहाँ से कोई है तो आप इनकी कोई मदद कर दीजिएगा, इनको थोड़ा बहुत जब इनको थोड़ी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वो आप हेल्प कर दीजिए, तो ऐसे में इनको हो जाता है, तो मतलब इनको काफ़ी अच्छा लगता है कि यार मतलब माई सन व्हाटएवर ही इज़ डूइंग इज़ गुड, सब कुछ अच्छा है। चलो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।